जैसी वाइफ चाहिए तू मेरी फ्यूचर वाइफ बन जा, तुम्हारे प्यार में बहुत पागल प्यार हो, जब प्यार हो दिल से तेरा हुआ दूसरी बार आलिया मत गाइस, आज की तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि जगह देखकर आप लोगों को कुछ याद तो आ रहा होगा, क्योंकि इसका पार्ट तो मैं आप लोगों को नहीं दे पाया क्योंकि वो लड़की जो है किसी और के साथ चली गई, शादी कर ली। दिल के हम फिर से एक दफा सिंगल हो गए, तो एक और लड़की है जिसके साथ मैंने एक पार्ट किया है और उससे मैंने नंबर एक्सचेंज किया है और आज मैं उसे बुलाया, मैंने दोबारा 1 बजे का टाइम दिया है, वो आने वाली थी है, मैंने उसे बुलाया और आज मैं उसे प्रपोज करूंगा, देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन देती है। तो उम्मीद करता हूं कि वो पट जाए क्योंकि पहली वाली तो चली गई, उसी लोकेशन पे कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों ने पार्ट मांगा था, तो मैं उसे कॉल करते हूं, पता करता हूं वो है कहां पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रास्ते में हूँ। चलो जल्दी आ जाओ, मैं काफी देर से वेट करूँ, 1 बजे का टाइम है, 2 बजने वाले। हाँ मैं ना तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ, ठीक है तुम आ जाओ फिर, ठीक है ओके। 20 मिनट्स लेटर। वालेकुम सलाम, शुक्र है तुम आ गई। मुसीबत तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम ये बताओ मास्क क्यों लगा के, तुम सिर्फ अपना चेहरा मुझे दिखाना चाहती हो, बाकी से छुपाना चाहती हो, नॉटी गर्ल। खैर बात तो है थोड़ी, क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तुमसे करनी है, मैंने ऐसे मैं कह नहीं ना पाऊँगा, तुम ऐसे देखती हो ना तो फिर और ज़्यादा शर्म आती है। नहीं तुम देखो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर बात है थोड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं कह नहीं पा रहा, डर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ तुम कैसे हो, आराम से, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, मैं आराम से। आराम से ना, नहीं इतनी स्पीड है क्यों मारे, कहीं जाना तुमने? यार बाद में तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले ना तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद ना मेरी सांसें रुकने वाली हैं। प्यार हो, जब प्यार हो, हर बार हो। वो मसला नहीं हुआ ना, अपना अंकल जी थोड़ा सा स्पाइसी करके बना दो। तुम्हें स्पाइसी चीज़ें पसंद है? मैं बहुत स्पाइसी हूँ, वो देखा स्पाइसी के नाम दे मैं मोबाइल देता। अंकल जी कितने हुए? 20। थैंक यू सो मच, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ क्या हुआ? खाओ 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 खाओ। नहीं मैं खाऊंगा तो मुझे फिर खांसी लग जाएगी ना, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूँ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए। तू मेरी फ्यूचर वाइफ बन जा, मेरी फ्यूचर वाइफ। बाय द वे पापड़ खाओ। अच्छा दोस्तों, हाँ दोस्त रहो, ज्यादा बक बक नहीं करो, है ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझा दिया मैंने। खैर तुम पागल हो? हाँ मैं तुम्हारे प्यार में बहुत पागल हूँ। इस वक्त जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है वो है चिल्तन प्योर का विटामिन सी सीरम। सो गाइस अगर आप लोग भी मेरे ग्लो चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, और चिल्तन प्योर के 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की, जाए विजिट करते हैं। बात ही कर रहा हूँ मैं, कौन सा मतलब डंडिया काट रहा हूँ तुम्हें, बात ही कर रहा हूँ। खैर बाय द वे अलहमरा तुम क्या करने जाती हो? मैं सिंगिंग करती हूँ। हैं वाकई? अच्छा फिर तुम मुझे सॉन्ग सुना, मैं तुम्हें सॉन्ग सुना, फिर तुम मुझे सुनाना, सही है? अच्छा तो मैं भागा इस जहान से, इन बातों से, सवालों से, न जानू मैं न जानू वो, हो बारिशों में भीग के है मिला सुकून मुझे, तो ले चलो अपनी दुनिया में, ले चलो अपनी दुनिया में। मेरी दुनिया यहीं पे है। अच्छा तुम्हारे ना, तो मतलब अपनी दुनिया में थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो जहाँ इतने सारे लोग। दोस्त रहो, तुम्हें बोलना है दोस्त, तो दोस्त रहो। समझा दिया। खैर उधर मैं ही बैठा हूँ ना, मैं उसे समझा रहा हूँ, मेरा दिल उधर बैठा तो मैं उसे समझा रहा हूँ, ठीक है समझ जाएगा। खैर बाय द वे तुम, अब तुम्हारी भाई तुम सुनाओ। आई कैसी रात है
ओके बहुत ओके यार, तुम्हारी आवाज मतलब कहाँ से आ रही थी? अब ना गले से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? हाँ तो गले से ही रही थी, लेकिन मतलब इतनी अच्छी आवाज सुन के ना मुझे वो गुदगुदी सी हो रही है। क्या गुदगुदी हो रही है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? खैर बाद में, मेरी अम्मा कहती हैं कि गर्लफ्रेंड चाहे फेयर एंड लवली वाली पटा लो, लेकिन बहू सिर्फ डिटोल वाली होनी चाहिए। मतलब डिटोल क्या? क्योंकि माँ माने डिटोल का दूल्हा। यार ये डिटोल का दूल्हा क्या है? डिटोल का धुला मतलब डिटोल वाली हो ना तुम, तो तुम मतलब अच्छी हो यार। सिंपल सी बात है, अब तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी मेरे घर? एक्सक्यूज मी, हम अभी फ्रेंड हैं और घर लेके जाने की बातें कर रहे नहीं। वो अम्मा ने बोला ना कि बहू चाहिए तुम्हारे जैसे, मैंने पिक्चर दिखाई थी। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। खाओ पापड़। नहीं यार पापड़ तुम खाओ, तुम मुझे पापड़ खिला खिला के ना तुम मुझे कर दोगी पागल। तो खैर अब तो मुझे, अब मैं अपनी दिल की बात जो है वो कहना चाहता हूँ। उससे पहले ना मैं ना तुम्हें एक छोटी सी ना पोएट्री सुनाना चाहता हूँ। वो है ये है कि आओ दर्द बांटते हैं, आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली तो हम दोनों मिलके चीखें मारते हैं। तुम रियली में पागल हो? यार अब तुम मेरे साथ बैठे तो जाहिर सी बात है मैंने पागल होना ही, अब इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ बैठे तो पागल तो होना बनता है ना। खैर बाय द वे तुम पापड़ खा रही हो ना, पापड़ खा रही हो तो मुझे बताओ, बात बताओ लड़कियों को इतने पापड़ क्यों पसंद है? हर लड़की पापड़ नहीं, आई मीन वो एक थी लड़की, छोड़ो दफा करो, वो उसको भी पापड़ पसंद है और सेम इस जगह बैठ के बस। नहीं कितनी लड़कियां हैं, कितनियों के साथ पापड़ खाए हुए हैं? नहीं नहीं कोई भी नहीं। अच्छा मजाक करता, नहीं मजाक करता वो ना, सच सच बताऊंगा ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीने पहले थी, वो ना छोड़ के भागी मेरे को। अच्छा, यानी कि आपको छोड़ के आप दूसरी पकड़े हो, है ना? नहीं नहीं दूसरी को ऐसे ही करते होगे, है ना? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, चली गई तो चली गई, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उसकी शादी हो गई तो बस इसलिए। तो अब दर्द है ना थोड़ा सा, अब तुम भी समझो मेरी बात। बाद में ना मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो मैंने ना रात को कुछ कर रहा था, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, अम्मी ने पढ़ लिए सारे के सारे। बाद में कुछ पढ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ी। वैसे काम क्यों करती? ऐसा काम इसलिए करता हूँ कि मुझे ना अच्छा लगता है ये काम करना। माना कि तुम रानी हो, पर रानी भी रानी नहीं इस राजा के बगैर। संभल जा जरा। कौन सा राजा? ये राजा तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यानी तुम वो मुझे की सॉन्ग तो नहीं वो मिक्स करके सुना, रानी तू मैं राजा, है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। हाँ सो मैं एंड करना चाह रहा हूँ अपनी कन्वर्सेशन का, इतनी सारी छोटी सी एक चीज़ लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सा ना करो उस पर और मैं कर लूँ। सो प्लीज़ सुन लेना आराम से, बाद में गुस्सा मत करना। सो रियली मैं मुझे तुम बहुत पसंद हो, लास्ट टाइम मैं ये पकड़ लो तुम्हारे लिए। माना कि हम दोस्त हैं लेकिन ना तुम मेरे लिए मेरी दोस्त से भी बढ़कर हो। ये एक रह गया, ये भी ले लो। सो आई लव यू, आई लव यू, टू डू डू डू, या या या, आई लव यू टू। तो तुम शर्मा रही हो, तो तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं? तुम पागल हो बिल्कुल, बाकी फूल तुम्हारे बहुत अच्छे, अच्छे लगे ना फूल, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी ना। तो अब ना मैं एक छोटी सी तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, मतलब जो कुछ भी था ये सब कुछ रियल था, ये मतलब कुछ कुछ भी इसमें वो नहीं था, फीलिंग्स मेरी रियल थी तुम्हारे साथ। मैं ना यूट्यूबर हूँ, मतलब यूट्यूब पे चैनल, और मैं प्रैंक्स वगैरह करता हूँ। क्या मतलब? एक मिनट एक मिनट, अभी भी वीडियो बन रही है वहाँ पे कैमरा। क्या कब से मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे? नहीं नहीं एक मिनट देख बता रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ, वो कैमरा लगा है, देख तो लो एक मिनट, देखो बताता हूँ, जो कैमरा लगा है और फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहा, जो भी है सब कुछ रियल है। बैठो बताता हूँ, बैठो 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 बैठो, रिलैक्स हो जाओ, सांस ले लो। फीलिंग्स मेरी बिल्कुल रियल है तुम्हारे साथ, कुछ भी इसमें झूठ नहीं। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा तब से मतलब मुझे बहुत अटैचमेंट हो गई थी, एक दो दिन तुमसे मेरी बात हुई और मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैंने आज तुम्हें नहीं 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 तुम्हारे लिए
ये रेल में तुम्हारे लिए, मजाक नहीं कर रहा इसमें, वो ठीक है ऑडियंस को ही पता है, ऑडियंस है नहीं तो वो मारेगी मेरे को आके कि भाई तुम खेल लो, मैं खेल वेल नहीं रहा, मेरे को पसंद है सही है, तो तुम अच्छी लगी मुझे सो बस इसलिए। तो बाकी अगर तुम परमिशन दोगी तो मैं पार्ट्स अपलोड करूँगा, पहले वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी मैं अपलोड करूँगा, तो पहले की भी वीडियो बनी, अच्छा वो पहले की भी है, तो अगर कहोगी तो मैं दोनों पार्ट्स अपलोड करूँगा, हम ये सारा रियल है बस वीडियो है, तो कर लो पक्की बात है, बाकी हम पक्के पक्के ना, तो चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है जल्दी लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कौन सा पार्ट था जो आपको सबसे पसंद है, मेम करते हैं 100 के लाइक, जल्दी लाइक कर दें, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।